बात बिहार की कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की 15 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की यह रेड तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता अबू दुजाना के अलावा दिल्ली में तेजस्वी यादव की बहन हेमा यादव और गाजियाबाद में बहन रागनी की यहां भी चल रही है। कुल 15 से 20 लोकेशंस हैं यूपी बिहार मुंबई और दिल्ली में जहां ये रेड चल रही है। हालांकि ईडी के छापेमारी पर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, पर लालू के बिहार में सहयोगी नीतीश कुमार ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। करीबियों पर ईडी और सीबीआई के छापे पर मुख्यमंत्री मौन है। तमाम तरह के सवालों से मुख्यमंत्री बचते हुए निकलते दिख रहे हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ देश के तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो सीधे तौर पर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो दिख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर चुप्पी साध रखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो मुख्यमंत्री के इस रिएक्शन पर, इस मौन पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे अमित वर्मा पटना से बने हुए हैं। अमित, सबसे पहला सवाल, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कैसा रिएक्शन है? उनके सहयोगी दल के लोग जो है वो ईडी की दबिश में हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर रिएक्शन दे रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम में गए हुए थे। उस कार्यक्रम के दौरान मीडिया ने उनसे पूछा कि लालू परिवार के यहाँ ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है और उनकी करीबी पर, तो मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर चुप्पी साधते हुए नजर आए और गाड़ी में बैठ कर निकल गए। अमित, इस पूरे मामले में, अमित बिल्कुल बिल्कुल, अमित इस पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री की ये जो चुप्पी है, क्या भविष्य की ओर इशारा कर रही है? क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि इसी तरीके से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। क्या इस बार फिर से ऐसा कुछ होने वाला है? क्या ये चुप्पी उस बात की ओर इशारा कर रही है? जी, साफ तौर पर देखा जाए कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में उतार चढ़ाव साफ तौर पर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं हाल ही के दिन में जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा ने, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जदयू कमजोर हो रही है, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने अपना एक दल बना लिया और जिस तरह से चुप्पी को लेकर, जिस तरह से अब जो नीतीश कुमार इस पूरे प्रकरण पर, जब उनसे मीडिया ने पूछा है कि इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर चुपचाप निकल गए और गाड़ी में बैठ गए। बिल्कुल 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 अमित, बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी भी अपने आप में कई तरह से जवाब दे रही है। पूरे मामले में जहां पूरा देश इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, मुख्यमंत्री चुप है। आखिर इस चुप्पी के पीछे क्या वजह है, वो तो भविष्य